ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। आप सभी को बता दें कि निर्विरोध चुनाव इस बार नहीं हुए, बल्कि सामने से इंडिया अलायंस ने भी अपना कैंडिडेट मैदान के अंदर उतारा था। जब सहमति नहीं बनी तो उसके बावजूद भी बहुमत तो बीजेपी के पक्ष में था, एनडीए के पक्ष में था, तो इसी के चलते हुए ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। हाल फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष बनाने की ये जो पूरी कहानी है, ये कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर जाकर के अब अंत हुई है, इन सभी की तमाम जानकारियाँ दिखाएंगे हमारी रिपोर्ट में। मोदी 3.0 में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। बिरला का लगातार दूसरी बार इस पद पर आना राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण की तरफ भी इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इतर बिरला प्रदेश में नए पावर सेक्टर के रूप में उभरे हैं। बिरला उन बिरले बड़े नेताओं में शामिल हैं जो लगातार दूसरी बार इस पद तक पहुँचे। वहीं हालांकि पिछली बार की तरह इस बार पद की राह आसान नहीं थी। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब 7 और 8 जून को दिल्ली में बैठकों का दौर चला, तब यह तय हो गया था कि राजस्थान से 4 मंत्री और एक लोकसभा स्पीकर, मतलब 4+1 फार्मूला बरकरार रखा जाएगा। बिरला के नाम पर एनडीए में सर्वसम्मति बनाई गई। राजनाथ सिंह और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी बिरला के नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।